रीट का महासंग्राम है जो चल रहा है, और आज 27 फरवरी के दिन आज संस्कृत का एग्ज़ाम था रीट का लेवल 2 का, और संस्कृत का मेंस का एग्ज़ाम था। दोस्तों आपको बता दें, पूरे राजस्थान भर में सिर्फ और सिर्फ जयपुर सिटी में ही है जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए, बाकी जगह पे एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिए गए। तो आज जाने की कोशिश करते हैं कि कैसा हुआ है स्टूडेंट का एग्ज़ाम संस्कृत का, और किस प्रकार के उन्होंने क्वेश्चन वगैरह है जो अटेंड किए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों इस वक्त हम हैं जोधपुर में, आपको बता दें। तो आप कहेंगे कि भाई जोधपुर में आप रिव्यू कैसे लेके आओगे। दोस्तों अब सरकार ने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि हमारे जोधपुर के अंदर सेंटर नहीं दिया, राजस्थान का बड़ा शहर है। लेकिन हमने सोचा कि जैसे एग्जाम खत्म होता है आप हमारे चैनल पे आ जाते हो रिव्यू देखने के लिए, तो हमारे संस्कृत वाले जितने भी भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, वो सब देखेगी, उनको भी एक अच्छा रिव्यू हमारे द्वारा मिले। तो सेंटर जोधपुर में तो नहीं दिया, लेकिन हम ऐसे भी हार मानने वाले नहीं थे कि भाई हम रिव्यू नहीं लेकर आए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू। उसमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए और थोड़ा सहयोग मैं करता हूं। दोस्तों मेरे दोस्त हैं जिन्होंने संस्कृत से फॉर्म भरा है, वो अभी जयपुर के अंदर ही हैं, शायद वो एग्ज़ाम दे के निकल रहे होंगे। तो उन्हें मैं जो फ़ोन करता हूँ और उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ है। तो ये मैं उनको अभी कॉल मिला रहा हूँ आपके सामने ही, और सीधे लाइव बात करते हैं कि भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ है। और दूसरी बात है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उससे भी हमें रिव्यू जानने में मदद मिल सके और आपके जितने भी साथी हैं उन्हें भी मदद मिल सके। अभी देखिए आप रिंग जा रही है, मैंने लाउड स्पीकर पर लगा दिया है, फ़ोन अटेंड करते हैं नहीं करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अटेंड किया तो वीडियो आप तक आ जाएगा, ये नहीं तो फिर दो तीन लोग हैं वैसे, तो सभी से हम बात करेंगे। और आप अपना जो कैसा कितने अटेंड किया आपने, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा लगा आपको, वो सब चीज़ें आप को कॉल कर रही है नहीं उठा रहे हैं ये फ़ोन। अभी वापस करते हैं एक बार मैं और कर देता हूँ, नहीं चल रहा हूँ, एक बार और कर देते हैं फ़ोन उठा देते हैं तो ठीक है भाई, अच्छा रिव्यू मिल जाता है, मेरे संस्कृत वाले दोस्त मेरे से नाराज़ नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों जयपुर जाना भी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर हैं, और जोधपुर में और भी काम होते रहते हैं हमारे, क्या करें। जोधपुर में होता तो आपको पता ही है मैं ज़रूर जाता सेंटर पे, और आपके लिए रिव्यू लेकर आ ही रहे हैं। जैसे पिछले दो दिन से तो जोधपुर में सेंटर थे, तो हमने हर एक एग्ज़ाम का ऑनेस्ट रिव्यू आप तक पहुँचाया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है ना तो फ़ोन उठाया नहीं है, अभी एक है जो बंदा और हैं उसको फ़ोन करते हैं और उनका एग्ज़ाम कैसे हुआ है उनके उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ओहो इन्होंने रिंग टोन लगा रखी है। हेलो 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 कैसे हो सुरेश जी? नमस्कार सर, बढ़िया बढ़िया। हो कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ सर। अच्छा घर चले गए? अच्छा कैसा हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ सर। बढ़िया हुआ बिल्कुल। तो रिव्यू के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? कितने सवाल आपने अटेंड करिए लगभग? सर मैंने किए थे 125 के आसपास सर। अच्छा 125 किए, क्या लगता है कितने कुछ सही होंगे गलत होंगे क्या? सही था तो सर आइडिया लगाऊं तो 5 सवाल गलत मान लीजिए 120 तक मेरे सही हो जाएंगे। सही सर, क्या बात कर रहे हो, इतने श्योर? उपस्थिति कितनी थी एग्जाम हॉल में? एग्जाम हॉल में सर सीटिंग हमारे 24 की थी तो उसमें लगभग 90% उपस्थिति सर है। अच्छा 90% उपस्थिति रह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या कोई वहाँ लीक लाग का डर तो नहीं पेपर की सुरक्षा को लेके? सुरक्षा सर एकदम बढ़िया थी, मस्त तरीके से हर प्रकार की चेकिंग हो रही थी। अच्छा पेपर की पैकिंग कैसी थी? इंटरव्यू से लगाकर एग्जाम तक पूरी चेकिंग थी उसमें अंदर पूरी। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है आपको ये जो आज वाला पेपर है इसमें मेरिट क्या कुछ रह सकती है? मेरिट की सर तो इतना मैं आइडिया लगाऊं तो मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है और वैसे मेरे हिसाब से लग रहा तो 110 के आसपास रह जाएगी सर। अच्छा 110 तक की है उसका वो नंबर आ सकता है? हाँ 110 के आसपास, हाँ आइडिया लग रहा सर इतना आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी जोधपुर से होते तो हम पता कर लेते हैं, पर अब जयपुर में आपने पूछा नहीं कि आपके आसपास जो बंदे आए वो कितने क्या सवाल कर अटेंड करके आए लगभग?
लमसम सर मैंने पूछा, सभी से लमसम सभी 115-120 के आसपास कर रहे थे सभी सवाल। अच्छा इतना ही कर रहे हैं, 115-120। 115-120 के। हाँ अच्छा, आपके क्या कैसा हुआ पेपर तैयारी को देखते हुए? पेपर ठीक था सर, मतलब बढ़िया, लेवल भी अच्छा था लगभग। अच्छा जीके कैसी थी? जीके जीके सर नॉर्मल थी। नॉर्मल। और ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन? कंप्यूटर का सर टफ था, बहुत ज़्यादा ही टफ था। टफ था कंप्यूटर, लगातार टफ आ रहा है और आज भी बता रहे टफ आया है कंप्यूटर के। 5-1 सवाल आते हैं, आपने 5 आए थे आपके भी कंप्यूटर का, मतलब बहुत टफ सवाल थे। कितने आपने कंप्यूटर में कोई अटेंड किए या नहीं किए? नहीं, एक सवाल अटेंड किया सर मैंने। अच्छा सिर्फ एक ही सवाल कंप्यूटर में अटेंड किया? एक ही सवाल। अच्छा और कैसा था माहौल जयपुर में? आज भीड़ होगी फुल, जोधपुर में सेंटर नहीं दिया तो मैंने फुल भेज दी सर, आज दूर दूर से जोधपुर से बाहर से लोग आए हुए थे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, फिर सूर्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके तो ये बता रहे हैं इस प्रकार का लेवल मध्यम लेवल का। और एक और कैंडिडेट है हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं और उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि उनका कैसा हुआ है एग्जाम। स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ओके तो उनका फ़ोन दोस्तों बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में। हमने कोशिश करी है रिव्यू लेने की जयपुर से जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका, और आपने संस्कृत से एग्ज़ाम दिया है रीट का लेवल 2 का, और आपके कैसा हुआ है एग्ज़ाम, आपके कितने क्वेश्चन है जो आपने अटेंड किए, और अभी आपने मिला भी लिया होगा तो कितने क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और भी इस प्रकार के एग्जाम से जुड़े हुए, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पे रिव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।